सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल को और आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन। वेलकम टू द चैनल स्कॉलरशिप फॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप 2020 के बारे में, जिसमें स्कॉलरशिप फॉर्म जो है अवेलेबल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेक्शन मोड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, कैसे आप इसको घर बैठे एक्यूरेट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अपडेट इंफॉर्मेशन चलते हैं scholarshiplies.com पर। तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्वाइटेड कर दिए राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। जिस स्टूडेंट्स की प्रोफाइल राजश्री छत्रपति शाहू महाराजा मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम से मैच करती है, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो उनका फिल कर लें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर द लास्ट डेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप जान सकते हैं स्कॉलरशिप्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आप मेन एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जिस जो एप्लीकेंट स्टडिंग कर रहे हैं इन क्लास 11th एंड 12th, जिसने सिक्योर करें 75% और अबव मार्क्स इन क्लास 10th, वो स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है। जिसमें स्कॉलरशिप्स अवार्ड रखा गया है, जिसमें स्कॉलरशिप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेंगे 300 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स तक फॉर 2 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कैसे आप इसको एक्यूरेट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है, देन मूव करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, देन प्रेस करना है वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, देन आपको वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड से उसको ओपन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड थ्रू, जिसे वेरीफाई करना है आपको ईमेल से और नंबर से, जिसमें आपको OTP आएगा। आफ्टर दैट आपको वहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट ओपन करना है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, देन फिल करना एसेंशियल डिटेल्स जैसे लाइक पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स एंड अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड, इस तरह आप इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनली प्रिंट आउट लेना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, हमारे से फ्रेंकली पूछ सकते हैं, हम आपको क्विकली रेस्पॉन्स करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट।